गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए आज हम हर श्रुति रेसिपीज में बनाएंगे जीरा मसाला सिरप। इस सिरप से आपका जब भी मन चाहे तब एक मिनट के अंदर जीरा मसाला शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस सिरप को आप एक महीने के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए जानते ही इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हम सब्जा भिगोएंगे। जब बात बीजों की आती है तो सारे बीज छोटे छोटे और एक ही किस्म के प्रतीत होते हैं और उनमें कंफ्यूजन होना भी काफी आम बात है। यहाँ सब्जा, तुलसी के बीज और चिया सीड्स रखे हैं। आइए जानते हैं ये तीनों बीजों में फर्क क्या होता है। ये सब्जा है, ये बीज तुलसी की एक प्रजाति के पौधों से मिलते हैं। इसे बेसिल या स्वीट बेसिल के नाम से भी जाना जाता है। सब्जा के बीज मीठी तुलसी के पौधों से पाए जाते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम एसिमम बेसिलिकम है। सब्जा के बीज पूर्णतः काले रंग के और लंबे आकार के होते हैं। सब्जा सीड्स बहुत जल्द पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये तुलसी के बीज है, ये पवित्र तुलसी के पौधों से पाए जाते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम ओसिमम टेनुइफ्लोरम है। ये आकार में थोड़े छोटे और गोल होते हैं जिसका रंग भूरा काला होता है। ये चिया सीड्स है, चिया सीड्स का वैज्ञानिक नाम साल्विया हिस्पेनिका है। इसका रंग भूरा होकर अंडाकार होते हैं। ये विदेशी बीज है। चिया सीड्स पानी को एब्जॉर्ब करने में समय लगाते हैं। रात भर भिगो कर रखने के बाद ये अपने साइज से 10 गुना ज्यादा फूल जाते हैं। जब तक हम ये सिरप बनाते हैं तब तक एक बाउल में एक चम्मच सब्जा लेकर इसमें थोड़ा सा पानी डाल इसे फूलने के लिए रख देते हैं। ये जीरा मसाला सिरप बनाने के लिए हमें एक प्यान में 5 चम्मच जीरा लेना है। जीरा गरम मसालों की श्रेणी में आता है लेकिन भुने हुए जीरे की तासीर काफी ठंडी होती है। अब जीरे के साथ साथ एक चम्मच सौंफ, 7 से 8 काली मिर्च लेकर इसे हल्का सा भून लेते हैं। हमें इस जीरा को हल्का सा भूनना है, इसे ज्यादा भूनने से इसमें कड़वापन आ जाता है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भुना हुआ जीरा सबसे रामबाण उपाय होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। जीरा और सौंफ अच्छे से भून चुके हैं। अब गैस की आंच बंद कर देते हैं। इसे ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। ये जीरा और सौंफ ठंडे होते ही इसे एक मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लेते हैं। ये जीरा पाउडर बनकर तैयार है। अब बढ़ते हैं अगली प्रोसेस की ओर। हमने सिरप को मीठा बनाने के लिए ना तो नॉर्मल चीनी का उपयोग किया है और ना ही गुड़ का। हमने यहाँ धागे वाली मिश्री का उपयोग किया है। धागे वाली मिश्री की तासीर ठंडी होती है और सेहत के लिए फायदेमंद भी। हमने ये बड़ी कटोरी भर के यहाँ धागे वाली मिश्री ली है। अगर वजन में देखा जाए तो ये 250 ग्राम है। अब जिस कटोरी से हमने मिश्री नाप कर ली है उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी नाप कर इस कढ़ाई में डालेंगे। अब इस पानी में ये 250 ग्राम मिश्री डालकर इसे मेल्ट होने देते हैं। गर्म पानी के साथ ये मिश्री जब हम पिघलने के लिए रखते हैं तो गैस की आंच मध्यम रखें। आप चाहे तो इसे नॉर्मल चीनी का उपयोग भी कर सकते हैं लेकिन हो सके तो आप भी धागे वाली मिश्री का उपयोग ही कीजिएगा। जब ये मिश्री पानी में हल्की सी घुलने लगे तो इस तरह का नींबू लेकर इसके छिलकों को ग्रेटर की सहायता से इस पानी में ग्रेट करेंगे। जो फ्रेश लेमन अरोमा होता है ना, वो इस नींबू के छिलके में ही होता है, इसीलिए हमें इन छिलकों को इस तरह कद्दूकस करके इसमें डालना है। आप देख पा रहे हैं कि नींबू के छिलके की वजह से इस पानी को सुंदर सा रंग आ गया है और यह मिश्री भी पानी में पूरी तरह से घुल चुकी है। अब हमने जो जीरा और सौंफ का पाउडर बना कर रखा है उसे इस पानी में डालेंगे और इसके साथ साथ जाएंगे 1 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच काला नमक। इसे अच्छे से मिलाकर 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर उबलने देते हैं। इस चाट मसाला की वजह से शरबत को चटपटा सा स्वाद आ जाता है। इस तरह इसे धीमी आंच पर उबालने से इन मसालों के सारे फ्लेवर्स इस पानी में उतर जाएंगे। हमने इसमें मिश्री मिलाई है, मिश्री की वजह से इस शरबत को मिठास मिलती है लेकिन ध्यान रहे कि इसकी हमें एक तार वाली या गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। हमें सिर्फ इसे चिपचिपा होने तक ही पकाना है। लगभग 4 मिनट बाद आप देख पा रहे हैं इस चाशनी में चिपचिपापन आ चुका है। तार बनी नहीं है, बनने वाली है। इस स्टेज पर गैस की आंच बंद कर देते हैं। ये चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब इसमें 2 नींबू का रस डालेंगे। किसी भी गर्म यानी आंच पर पकते हुए खाने में या लिक्विड में कभी भी नींबू का रस ना डालें।
खाना थोड़ा सा ठंडा होने पर ही नींबू का रस डालें, क्योंकि नींबू में होने वाले पोषक तत्व और विटामिन सी गर्मी की वजह से नष्ट हो जाते हैं। इस नींबू के रस को लिक्विड में पूरी तरह से मिलाएंगे और इसे ठंडा होने देंगे। आप देख पा रहे हैं, इस सिरप ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इस तरह की छन्नी लेकर उसमें से इस मिश्रण को एक साफ बर्तन में छान लेते हैं। 250 ग्राम मिश्री से बनाए गए सिरप में लगभग 24 ग्लास शरबत बनकर तैयार होता है। इस तरह इसे छान लेने से जीरा के मोटे मोटे कण अलग हो चुके हैं। अब ये सिरप बनकर तैयार है। अब ये सिरप पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हमने इसे एक एयरटाइट बॉटल में भर लिया है। इसे इस तरह के एयरटाइट बॉटल में भर लेने के बाद हम इसे 2 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब मन चाहे तब इससे शरबत बनाकर पी सकते हैं। तो आइए इस सिरप से झटपट शरबत बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये भिगोया हुआ सब्जा भी फूल कर तैयार है। सब्जा शरीर के लिए प्राकृतिक डिटॉक्स के रूप में काम करते हैं। सब्जा में फाइबर होता है, पोटेशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज, विटामिन सी और डी भी अच्छी मात्रा में होते हैं। इस शरबत को सर्व करते समय ग्लास में कुछ बर्फ के टुकड़े, पुदीना, नींबू की स्लाइस और जो सिरप हमने बनाया है उस सिरप को 2-2 चम्मच डालेंगे। अब इसमें अपने पसंद अनुसार भीग कर फूला हुआ सब्जा डालेंगे और इसमें पानी डालकर मिला लेंगे। आप चाहे तो बर्फ की जगह मिट्टी के मटके का ठंडा ठंडा पानी डालकर भी ये शरबत बना सकते हैं। ये शरबत बनकर तैयार है। इसे नींबू की स्लाइस और पुदीना के साथ गार्निश कर सकते हैं। संस्कृत में जीरा को जीरक कहते हैं, अन्न के जीर्ण होने में यानी पचने में मदद करने वाला जीरक। एक बार अगर आपने सिरप बनाकर रख लिया तो 2 महीनों के लिए आप जब चाहे तब इस शरबत को मिनटों में बनाकर पी सकते हैं और गर्मी से राहत पा सकते हैं। ये शरबत जितना हेल्दी है उतना टेस्टी भी। आंखों की जलन, शरीर की तपिश और गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडा ठंडा शरबत आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। ये सिरप आप एक बार जरूर बनाकर देखिएगा और आपके अनुभव हमारे साथ भी बांटिएगा। अगर आपको ये जीरा मसाला शरबत की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हर्ष श्रुति रेसिपीज चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स के रूप में आपके सुझाव और सराहना का हमें इंतजार है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, आपके हर्ष श्रुति। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।